था कि हम 2019 से लेकर 24 तक देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करेंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से आज पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। और उन्होंने 2024 से लेकर 2027 तक का लक्ष्य लिया है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इन 5 सालों में भारत बन जाएगा। भाइयों बहनों, माननीय मोदी जी ने लक्ष्य तय किए हैं, मोदी जी ने संकल्प तय किए हैं, उन संकल्पों और लक्ष्यों को लेकर भारत की सरकार आज मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। राजस्थान के अंदर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के तमाम आयामों को स्थापित किया है, चाहे आज सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, आवासों की बात हो, वो सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आगे बढ़े थे या पूरे हुए थे। 2018 के बाद सारे के सारे काम रुक गए। किस प्रकार से कानून व्यवस्था खराब हो गई, किस प्रकार से बहन के साथ दुराचार हो रहा है, किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है, किस तरह से नकल का खेल चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है भाइयों बहनों। इसलिए अब समय आ गया है, मैं आप सबसे देवभूमि से कहने आया हूँ, पिछले साल उत्तराखंड देवभूमि के अंदर भी आम चुनाव विधानसभा का हुआ था। उत्तराखंड की जनता ने सारे मिथक तोड़ते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, निर्देशन में, उनके कामों पर आशीर्वाद देते हुए 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाई थी भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार। और उस डबल इंजन की सरकार के कारण से आज चाहे केदारनाथ जी का विकास हो, चाहे बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, चाहे मास्टर प्लान पर काम हो, रोपवे का निर्माण हो, या हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, या चार धाम जाने